हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाली थी आप लोगों को दोपहर का रूटीन, लेकिन आज चींटियों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि सारा रूटीन इधर से उधर हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज का हमारा ब्लॉग। और फ्रेंड्स, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये दोपहर के खाने पीने के बाद ये थोड़ा सामान सुबह आया था, तो मैंने इसको सैनिटाइज करके आंगन में रख दिया था। तो मैंने ये सब उठा के, अभी सब भर के जो रखने वाली चीज़ें, सारा सामान उठा के रख दिया। और इसके बाद मैंने सोचा था कि कपड़े प्रेस कर लूँगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। प्रेस करने के लिए जब कपड़े लेने आई, देखा सब चीटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। ये देखे पता नहीं इनमें क्या चीटियाँ खाने के लिए आई हैं, जबकि सारे कपड़े धुले हुए टंगे हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, चीटियाँ दिख रही हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारे सारे कपड़ों में चीटियाँ लगी हुई हैं। और चीटियों ने क्या किया है आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो फूटी लगी है, इनकी जो कैप है, कैप खा डाली है। ये देखिए कैप, सब सारी कैप काट दी है। ये देखिए एक दो लगी है, अभी मैंने सब झाड़ दी है कपड़े से। कपड़ों में सारी खूटियों का पाउडर जैसा लगा हुआ है। ये देखिए ये सारा जो सफेद सफेद दिख रहा है आपको, ये सारा खूटी का ये पाउडर जैसा काटा है चींटियों ने, वही सब लगाया कपड़ों में। ये देखिए सारे कपड़े धुले हुए। ये सारे कपड़े मुझे दोबारा धुलने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार चींटी देख लो ना, तो फिर लगता है कि पूरे शरीर में चींटियां काट रही हैं। तो ये सारे कपड़े में डाल देते धुलने के लिए। और चींटियों के चक्कर में दोबारा से हमें सारी मेहनत करनी पड़ी है। ये सारे कपड़े कल के धुले हुए पड़े थे, और ये कहां तो मैं प्रेस करने जा रही थी, और कहां से ये कपड़े में धुल गई, इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। और ये देखिए कैप, ये कैप मेरे बेटे की है, और इसे भेजा था कलर चैनल वालों ने। तो उसने किसी क्विज शो में पार्टिसिपेट किया था, तो ये मुंबई से आई थी उसके लिए। तो मैं लगा के दिखाती हूँ, इसका कलर बहुत प्यारा अच्छा है, ब्लू कलर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैं इसे लगा के दिखाती हूँ। जूड़ा लगा है पीछे उसके चक्कर में, लग भी नहीं रही सही से। ये देखिए अच्छी लग रही है, इस पे लिखा भी है कलर्स। तो ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। बताना फ्रेंड्स कैसी है कैप, ठीक है? तो देखिए कैप देख के सारी गुस्सा, सारी नाराजगी चली गई। कपड़े धुलने के बाद मैं देखिए किचन में आई थी चाय बनाने के लिए, और एक रोटी दोपहर में बच गई थी, तो मैंने इस कैसरोल में रख दी थी। और ये देखिए इसमें भी चींटियाँ पता नहीं कैसे भर गई हैं, कितनी सारी चींटियाँ हैं आज। तो चींटियों ने जैसे परेशान करने की कसम ही खा रखी है। देखिए मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, और यहाँ एक रोटी मैंने इस कैसरोल में रख दी थी, इसमें कभी चींटियाँ नहीं गई, पहली बार आज पता नहीं कैसे इसके अंदर चली गई। अभी सारे कपड़े धुल के मैं आई हूँ, मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। अब चाय बनाने के लिए तो देखा है सब सारी चींटियाँ इसमें, केवल एक रोटी रखी बच गई थी। तो मैं तो कैसरोल वगैरह धुलने के बाद मैं फिर चाय बनाने लगी थी, और चाय और ये मूंग दाल के पापड़। तो अब चाय पियेंगे सबसे पहले, उसके बाद में कुछ। तो ये देखिए चाय बन के हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी। तो हम पी लेते हैं चाय और ये पापड़ खाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो का एंड में यहीं पे कर रही हूँ, वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था।